हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सिर्फ एक ही बात हर बच्चे के मुंह से कि सर मैथमेटिक्स 2 कब आ रहा है, क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में पेपर हो चुके हैं एंड बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में होने बाकी है। तो फ्रेंड, आज ये मान के चलिए पूरे सेशन का कि इस सेशन में जो आपका सेकेंड सेमेस्टर है और जो सीनियर्स बच्चे इनका फोर्थ सेमेस्टर में कौन कौन सा कोर्स यहाँ पे लॉन्च होगा, कौन सा कोर्स आपका ऑनलाइन होने वाला है, कौन सा कोर्स ऑफलाइन होने वाला है, तो यहाँ पे मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा, क्योंकि एक ही बार मैं कितनी बार बच्चों को बताऊं, क्योंकि इंक्वायरी बहुत ज्यादा आ रही है। फ्रेंड चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे ज्यादा इंक्वायरी है वो मैथमेटिक्स 2 के लिए कि सर मैथमेटिक्स 2 कब आ रहा है। तो चलिए, मैंने हर एक बच्चे से प्रॉमिस किया था, जिस बच्चे ने मैथमेटिक्स 1 मुझसे लिया था, तो मैंने सबसे एक प्रॉमिस जरूर किया था कि भाई कोई बात नहीं, मैथमेटिक्स 2 आपका मैं सेपरेट पढ़ाऊंगा और जो रिसर्च वर्क था, जो सिलेबस वर्क था, वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। सो आज मैं यहाँ पर आपको अनाउंस करने वाला हूँ कि कौन से तारीख से आपको कौन कौन सा कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, और कौन सा कोर्स अगर अवेलेबल नहीं और आप उसको चाहते हो करना तो आप उसे कांटेक्ट करके कैसे कर सकते हो। चलिए फ्रेंड, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैथमेटिक्स 2 की बात की जाए, तो जो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं हमारे बैच में वो RDPB भोपाल, AKTU लखनऊ और पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, AKU पटना और सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे, ये 5 जो हमारे यूनिवर्सिटीज हैं इनकी मेजोरिटीज हैं। सबसे ज्यादा RDPB की, उसके बाद अगर बात की जाए तो AKTU की, उसके बाद पुणे यूनिवर्सिटी, उसके बाद AKTU पटना और आपका PTU पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटीज। इसके अलावा ये सब यूनिवर्सिटीज भी हैं, कुछ NITs भी हैं, जिन जो बच्चे ने मैथमेटिक्स 1 का कोर्स लिया था तो मैंने बोला है कि हाँ मैथमेटिक्स 2 में उनको जरूर पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए, कौन से यूनिवर्सिटी का मैथमेटिक्स 2 कब आने वाला है यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड, जो आपका RDPB का मैथमेटिक्स 2 है वो आपका कल आ जाएगा। आज शायद डेट 15 है, तो कल ये 16 तारीख होगा, 16 तारीख को आपका मैथमेटिक्स 2 आ जाएगा ऐप पे। फिलहाल डेमो देखता हूं मैं कल से या तो फिर परसों से डेमो स्टार्ट होगा। तो जो बच्चे ने मैथमेटिक्स 1 पढ़ा है, मुझे पता है उनको डेमो खेलने का कोई शौक नहीं, वो सीधा अपना ऐप के थ्रू अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों ने मैथमेटिक्स वन मुझसे नहीं पढ़ा है और उनको कुछ डेमो क्लासेस सही समझने के लिए कि हाँ मेरी पढ़ाई समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, तो उनके लिए डेमो हो सकता है कल, नहीं तो परसों से मैं आपको लॉन्च कर दूंगा। दूसरा जो यूनिवर्सिटी जो सबसे ज्यादा वो AKTU, तो फ्रेंड AKTU का पेपर खत्म हो रहा है 23 तारीख को। आज उनका मैथमेटिक्स 1 का पेपर था, बहुत अच्छा गया, अच्छा रिस्पॉन्स मिला, क्योंकि वहाँ का जो सिलेबस और मैं क्या बताऊँ, क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा टफ था। ठीक ठाक बच्चे, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास भी हो जाएंगे, तो एक खुशी की बात है, वरना वो जो कंडीशन में थे वो वहां से पास होने वाले नहीं थे। चलिए, तो AKTU का कोर्स आपका 23 तारीख को लॉन्च कर दिया जाएगा। अभी इनका पेपर हुआ नहीं, ये अभी होल्ड पे है, आर्यभट्ट नॉन यूनिवर्सिटी ये होल्ड पे, PTU मानकर चलो आप 25 तारीख तक ये मैं लॉन्च कर दूंगा। ठीक है, और बाकी सब यूनिवर्सिटीज के लिए आप कॉन्टेक्ट करें, और बाकी सब यूनिवर्सिटीज मान के चलो कि आपका अप्रैल में मैं इनका कोर्स लॉन्च करूंगा, लेकिन इनका कोर्स तभी लॉन्च होगा जब ये मुझसे कांटेक्ट करेंगे, सर मुझे कोर्स लेना है, तो उसी हिसाब से फिर मैं कोर्स को डिजाइन करूंगा। बाकी ये 5 यूनिवर्सिटीज, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 यूनिवर्सिटी कंफर्म है कि इनके आपको मैथमेटिक्स 2 के सेपरेट कोर्सेज मिलेंगे। और बाकी यूनिवर्सिटीज के लिए अपन देखते हैं, CSVTU को भी बहुत बच्चे अपने पास, इसके लिए भी मैं सेपरेट कोर्स लॉन्च कर दूंगा, कोई इशू की बात नहीं है। ठीक है, चलिए, उसके अलावा क्या है हमारे पास? उसके अलावा बेटा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, जो डिप्लोमा और बीटेक दोनों के बच्चे पढ़ सकते हैं, जो आपको ऑनलाइन यहाँ पे मिल जाएगा, मैथमेटिक्स 3 RDPB का वो अभी हमारे पास अवेलेबल है, वो भी आपको मिल जाएगा। हाइड्रोलिक्स सिविल डिप्लोमा ये आपको अवेलेबल हो जाएगा 1 अप्रैल तक। उसके बाद मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर अभी अवेलेबल है। TOS 1 ये आपका चलेगा, मान के चलिए कि अभी देखता हूँ, TOS 1 के लिए फैकल्टीज की खोज चल रही है, लेकिन TOS 1 का बैच जरूर स्टार्ट होगा फ्रेंड। ठीक है, तो जो सबसे मेजर अनाउंसमेंट था वो था हमारा मैथमेटिक्स 2 के लिए। तो मैथमेटिक्स 2 के लिए मैंने क्लियर कर दिया कि कौन सी यूनिवर्सिटी का आपका कोर्स कब आ रहा है। डेमो के चक्कर में रहिए और नहीं भी रहिए, क्योंकि हो सकता है डेमो देने में मैं थोड़ा लापरवाही करूँ, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इससे पहले क्या था फ्रेंड, मुझे स्टूडेंट्स को जोड़ना था, इसलिए मैं अट्रैक्ट करा था यूट्यूब में डेमो लेक्चर्स के थ्रू, लेकिन इस बार कुछ अलग सिनारियो है, जो अपन जीरो थे अभी अच्छे पोजीशन पे, और मुझे बस अपने बच्चों को अच्छा डिलीवर करना है। बच्चे अच्छे खासे हो चुके हैं, 10K भी हमारा हो चुका है सब्सक्राइबर कंप्लीट, जिसके लिए मैंने आपको थैंक यू नहीं बोला है। तो भाई चलो, इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी बच्चों को थैंक यू कहना चाहता हूँ, जिस बच्चों ने जुड़ा हमारे साथ एंड शेयर करने में बच्चे कंजूसी करते हैं, क्योंकि पता क्या होता है, एक कॉलेज के बच्चे बाद में फिर मुझसे जुड़ते हैं, मुझे सर मैंने मुझे तो पता ही नहीं था,
मतलब एक एक कॉलेज के बच्चे का वो वीडियो को शेयर करे तो बच्चा एक साथ जुड़ेगा, तो एक साथ अपनी स्टडी को कर पाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो ऑनलाइन की फीस वही रहेगी आपकी, फीस कुछ नहीं बढ़ने वाला, 799 फॉर ऑल। और इस बार डिस्काउंट का कोई हिसाब किताब नहीं, अगली बार सिलेबस कम होने के कारण बहुत सी यूनिवर्सिटी से मैंने डिस्काउंट दिया था, इस बार सिलेबस कंप्लीट होगा आपका, तो डिस्काउंट के लिए आप कॉन्टैक्ट हमसे ना करें। 799 इज अ रीजनेबल फीस, इस तरीके का मैं क्लासेस लेता हूँ आपके लिए, रीजनेबल फीस है ना, ज्यादा ना कम, ठीक ठाक एक एवरेज है ना, एज कम्पेयर टू, क्योंकि आप अगर बात करो यूपी की, वहां पे टीचर्स यार 4,000-5,000 मांगते, पता नहीं क्यों बच्चों की मजबूरी का फायदा उठाते। यूपी में अच्छे टीचर्स की कमी है, कोचिंग्स की कमी है, और उसका फायदा कॉलेज के फैकल्टीज उठाते हैं, मतलब मुंह मांगा पैसा मांगते हैं कि 4,000 दे दो, 3,000 दे दो, मैं पास करवा दूंगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं भाई। यूपी के बच्चों का तो सॉल्यूशन बहुत अच्छे से हो चुका है, एंड मैं वहाँ के रिस्पॉन्स से भी खुश हूँ, एंड वहाँ का थोड़ा जो है ना, जो आपका सिलेबस है वो भी थोड़ा टफ है, अच्छा लगता है टफ चीजों को करवाने में। ठीक है फ्रेंड, तो यूपी के बच्चे तो मत घबराओ, ये तो खैर अपना ही यूनिवर्सिटी है ये कहीं नहीं जाने वाला आरजी बेबी, ठीक है, क्योंकि रेंज से बाहर ये कभी जाएगा भी नहीं, क्योंकि मैंने खुद यहाँ पे पढ़ाई की है, तो ये अपना ही है समझो, इसमें कोई इशू की बात आपकी नहीं होने वाली। ठीक है फ्रेंड, और ऑफलाइन की बात की जाए तो ऑफलाइन सिर्फ और सिर्फ क्योंकि मैं भोपाल में रहता हूँ, तो ऑफलाइन आरजीपीबी के बैचेस में लूंगा, जिसमें मैथमेटिक्स 2, मैथमेटिक्स 3, इंजीनियरिंग ड्राइंग और डिप्लोमा के मैथ्स, फिजिक्स और ग्राफिक्स ड्राइंग रहेगा। तो जिन बच्चों को ऑफलाइन पढ़ना है, जो भोपाल में रहते हैं नियर जहांगीराबाद, वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8269075512 पर। जो जहांगीराबाद के नज़दीक रहते हैं उनसे ही मैं बोलूंगा, क्योंकि बिना मतलब का अनवांटेड पैसा खर्चा करने का मतलब नहीं है। आप अगर जहांगीराबाद के करीब रहते हैं तो कॉन्टैक्ट करके ऑफलाइन बैच में आइए, और अगर नहीं रहते तो ऑनलाइन में तो खैर मैं मजा दे ही रहा हूं आपको, मैं आपको इंश्योर करता हूं, और आप ऑनलाइन में ट्रस्ट दिखाते हैं तो फ्रेंड मैं अपना 100% वहां पे दे रहा हूं, आपको किसी भी तरह की इशू नहीं आएगी। ठीक है, चलिए फ्रेंड, तो ये हो गया इस सेशन का पूरा लेखा जोखा कि अपन इस सेशन में क्या करने वाले हैं, एंड हो सकता है मोस्टली कि अगर कोई फैकल्टी से मैं अच्छे मिले तो मैं कुछ एडअप करूं यहाँ पर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एडअप को कोई स्कोप होने वाला है, क्योंकि रमजान भी आने वाले प्यारे बच्चों, तो थोड़ा सा मैं वहां भी जाएगा। सो आप अपनी यूनिवर्सिटीज चेक कर लीजिए, बाकी मैंने जो हॉट यूनिवर्सिटीज थी वो मैंने आपको बता दी, एंड अगर आपकी यूनिवर्सिटीज इतने बच्चे जुड़े हैं देख लीजिए आपका क्या है क्या नहीं है। ठीक है, बाकी ऑफलाइन के लिए मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया, और यार आरजीबीपी के बच्चे जो परेशान हो रहे थे कि सर एम टू कब आएगा, तो वेट, कल 4 बजे तक आपका कोर्स आपके ऐप पर होगा। बाकी लखनऊ के बच्चे AKTU आप 23 तारीख को, NPTU 25 तारीख को, एंड इन दोनों का पेपर भी हुआ नहीं, इन दोनों का जैसे ही पेपर होगा इनका मैथमेटिक्स 2 का कोर्स आ जाएगा। तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए, एंड थैंक्स फॉर द लव एंड सपोर्ट माय डियर फ्रेंड, प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि देखिए हर एक बच्चा जो मैथ्स में कमजोर है उसको जरूरत है मेरी, आप इतना तो कर ही सकते हैं कि वीडियो को शेयर करें, ताकि हर एक जरूरतमंद बच्चा किसी का शोषण ना हो यार। क्योंकि मतलब जब यूपी के बच्चों से मेरी बात हुई ना, मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि बैक लगते हैं उनके तो लगते ही चले जाते हैं, और कोई अच्छी फैकल्टीज मिलती नहीं, जो मिलती उनसे अनवांटेड पैसों को डिमांड करती कि आप इतना दे दो मैं करवा दूंगा, आप इतना दे दो करवा दूंगा, उनमें खुद में कोई क्वालिटी नहीं है, लेकिन वो बच्चों का क्या कर रहे हैं बेटा, शोषण कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए, ताकि हर एक बच्चा जो मैथमेटिक्स में कमजोर है वो अपने आप को पहचान पाए, अपने बेसिक्स को ठीक कर पाए, और सीख कर आप सभी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाए। तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए, और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।